दो ग्लास और कुछ रखना अपना लाओ भाई। क्यों नहीं सर, एक मैंने पियूंगा। एक लाओ ग्लास फिर, सर थोड़ा शरीफ हो गए। बात शराफत की नहीं सर, ऑफिस में पीने की आदत डाली नहीं मैंने। सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स ना मानना, ये आदत डाल ली। सर वो औरत बीच में आ गई थी, मर गई ना, औरत तो मर गई। ठीक से फोकस किया होता तो टारगेट जाता, करीब जाता। सर एसी ऑफिस में बैठकर जज करना आसान होता है, अगर मेरी जगह आप भी वहां होते ना तो आपसे भी वही गलती होती। एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, ठीक है? क्या था कि सर्दी का मौसम था, जंगल, एक गिद्ध जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी देर वहां पे एक चूहा आता है, वो भी चाहता है कि मैं धूप का मजा लूं। तो गिद्ध से पूछता है कि सर मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा धूप सेक लूं, आप मुझे खा तो नहीं जाओगे? तो गिद्ध को जो चूहा बड़ा क्यूट लगता है, कहता है नहीं नहीं आराम से धूप सेको, कुछ नहीं करूंगा। तो चूहा धूप सेकते लगता है, थोड़ी देर में आंख लग जाती, सो जाता है। तब तक वहां से एक सांप आता है, रेंगता हुआ चूहे को देखता और गप कर जो है चूहे को, और गिद्ध जो है अभी भी सब ऊपर से ऐसे देख रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर एसी रूम में बैठ के आराम से तमाशा देखना है तो उसके लिए टॉप पे बैठना होगा, जहां मैं बैठा हूं, जहां तुम हो वहां सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं। मैं गिद्ध हूं और तुम जिसे सांप खा गया, बैज एंड गन। सर आप ही ने कहा था आज के लिए आपकी और मेरी, हम दोनों की ड्यूटीज खत्म हो चुकी है। फॉर्मेलिटीज ही बची है ना सर, कल कर लेंगे। चैन सर।